की थैली की पथरी को बिना ऑपरेशन कैसे निकाला जा सकता है, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पित्त की थैली की जो पथरी है वो मैक्सिमम लोगों को हो रही है, मैक्सिमम लोगों की ये कंडीशन, चाहे वो मोटे हो चाहे वो पतले हो, तो बहुत से लोगों को पित्त की थैली की पथरी हो रही है और कम उम्र में हो रही है। ये 24-25 साल की उम्र में भी लोगों को हो रही है, बड़ी उम्र में तो हो ही रही है लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी बहुत ज़्यादा लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं पित्त की थैली के। जैसे वो डॉक्टर के पास जाते हैं या तो उनको दर्द की समस्या होती है, और ये जो पित्त की थैली की पथरी होती है कई बार तो किसी में कोई सिम्टम्स इसके नहीं आते, बस गैस रहती है, अफारा रहता है, अपच रहती है, लेकिन दर्द वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन जब वो किसी और वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं, सिम्टम्स तो बीमारियों के और बीमारियों के आते रहते हैं, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ चेकअप कराया जाता है, उसमें पित्त की थैली की पथरी निकलती है। डॉक्टर बोल देते हैं कि आपका जो गॉल ब्लैडर है वो पूरी तरीके से पथरियों से भर चुका है, आप ऑपरेशन करवा लीजिए, और वो तुरंत ऑपरेशन करवा लेते हैं। और उसके बाद आपको पता है क्या हालत होती है उनके साथ, उनकी जिंदगी बद से बदतर बन जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसे बन जाती है अभी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, और इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी कि कैसे आपको निकालना है, किस तरीके से घर पर ही निकल सकती है, और इसके कुछ आसन है जो इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, जिनको करके आप अपनी पित्त की थैली को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि पित्त की थैली की जो पथरी है, अगर वो आपको हो गई है और आपने ऑपरेशन करवा लिया है, गोल्ड ब्लैडर स्टोन हो गया है और अगर आपने ऑपरेशन करवा लिया है, तो बहुत बड़ी परेशानी से आप जूझने वाले। देखिए होता क्या है, जो हमारा लीवर होता है वो पाचक रस बनाता है, लीवर से पाचक रस हमारे पित्त की थैली गॉल ब्लैडर में जाते हैं और वहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं। जब भी हम कोई ऐसा भोजन खाते हैं, तैलीय भोजन जिसमें बहुत सारा तेल होता है, या कुछ ऐसा गरिष्ठ भोजन जो पचने में भारी होता है, तो वो क्या होता है, जो हल्के भोजन होते हैं, साग सब्जी होते हैं, फल फ्रूट्स होते हैं, तो वो तो हमारे पेट में पच जाते हैं आसानी से। लेकिन जैसे कि हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, कुछ भी हैवी भोजन है जो कि देर से पचता है, तो वो क्या होता है, हमारे छोटी आंत में जाके पचता है। तो छोटी आंत जो होती है, ड्यूडेनम जो होता है, तो इसमें जो पाचक रस आता है भोजन को पचाने के लिए, तो वो कहाँ से आता है, हमारे गॉल ब्लैडर से आता है। हमारे गॉल ब्लैडर में जो पाचक रस होता है तो वो कहाँ पे पहुंच जाता है, हमारी छोटी आंत में, और पेट से जो खाना बिना पचा हुआ होता है या पचने में जिसे देरी लगती है, तो वो छोटी आंत में जाके पच जाता है। ये रस जो गॉल ब्लैडर से आता है उस रस के द्वारा, तब ये खाना पूरा कंप्लीट पचता है। लेकिन अब आप सोचिए, जो गॉल ब्लैडर का काम था पाचक रस को आपकी छोटी आंत में पहुंचाने का, तो गॉल ब्लैडर ही आपने निकलवा दिया, तो अब ये रस कहाँ से मिलेगा उसको। अब जब भी आप गरिष्ठ भोजन खाएंगे, तला भुना खाएंगे, लेकिन आपने पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवा लिया है, तो आपको बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी, जैसे गैस बनना, अपच, खट्टी डकारे आना, और बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता जहाँ पे पथरी बन रही थी उसकी से कोई खत्म कर दे तो पथरी बननी रुक जाएगी, पथरी बनती है लेकिन वो और कहीं जाके फंस जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। दुनिया इतने सारे रोगों से परेशान है, किसी के कहीं पे पथरी जाके फंस जाती है, क्योंकि शरीर का सिम्टम्स, अगर आप गलत खाओगे तो गलत चीजें पैदा होंगी और कहीं ना कहीं शरीर के किसी हिस्से में फंस जाओगे। तो कब तक जो शरीर की जो ऑर्गन्स हैं उनको कब तक रिमूव करवाते रहोगे? ठीक है, गॉल ब्लैडर को रिमूव करवा के आप जिंदा रह सकते हो, इसलिए सब लोग यही सोचते हैं चलो इसको ऑपरेट करवा के निकलवा देते हैं, ये आप शरीर को और बीमार कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इससे बचने के लिए आपको अपना खान पान अच्छा करना चाहिए। सबसे पहले तो खान पान अच्छा करना चाहिए, और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या आपके खाने में डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए, जिससे इस तरह की प्रॉब्लम आपको आगे ना आए। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके का आपका खान पान होना चाहिए, किस तरीके की आपकी डाइट होनी चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके पूरी तरीके से पता कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन में कौन से आसन आपको करने चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में आप सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएंगे और उसके बाद पैरों को अपना थोड़ा सा खोल लेंगे, इतना खोल लेंगे जितना आपका शोल्डर एरिया होता है। धीरे धीरे आपके जो हाथ है आप सीधे रखेंगे और सांस भरते हुए आपका जो दाहिना हाथ है उसको ऊपर ले जाएंगे, ऐसे सांस भरते हुए, और आपका जो कान है वहां से इसको सटा लेंगे, आपके अपने कान से सटा लेंगे अपने दाहिने हाथ को।
हमारी दाहिनी साइड में ही हमारा लीवर होता है और पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर होता है। तो इसलिए सबसे पहले इसी हाथ को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जितना आप खिंचाव दे सकते हैं उतना देंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। अब अपना जो ऊपर का हाथ है उसको ऊपर खींचेंगे और जो नीचे वाला हाथ है उसको नीचे की तरफ खींचेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो पित्ताशय है, पित्त की थैली है और लीवर है उसके ऊपर खिंचाव आएगा और धीरे धीरे हाथ को नीचे ले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी पित्त की थैली और लीवर की जो मांसपेशियां होती है उसमें खिंचाव आएगा। जब हम मांसपेशियों में खिंचाव या संकुचन का काम करते हैं, एक बार उसको में फैलाव लाते हैं, एक बार उसको सिकोड़ते हैं, तो उससे उसकी मांसपेशियों के ऊपर प्रेशर आता है और उसकी मांसपेशियां सशक्त होती हैं। जैसे ही मांसपेशियां मजबूत होगी, हमारे पेट के ऑर्गन्स की मांसपेशियां मजबूत होती है, तो उतने ही वो ऑर्गन ज़्यादा काम करते हैं। जैसे पित्त की थैली का काम होता है सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, इसी के जरिए वो अपना रस पूरा बाहर निकाल देती है। लेकिन जब वो हल्का सा भी अपनी जो उसके फंक्शन है वो उसमें कमी आ जाती है, वो सिकुड़ नहीं पाती है पूरे तरीके से, तो उसके जो रस होते हैं तो वो इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने की वजह से गाढ़े हो जाते हैं। इस कारण से वो पूरे तरीके से बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए पित्त की थैली में पथरी बन जाती है। तो इसके लिए आपने इस तरीके से सबसे पहले त्रिकोणासन करना है, फिर दूसरी साइड से करना है। हमें ऐसे ही सावधान की स्थिति में पैरों को थोड़ा सा खोल लेना है और दूसरे हाथ को सांस भरते हुए ऊपर लाना है। बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे और ऐसे सांस छोड़ते हुए अब ये देखिए जो हमारे पित्त की थैली और लीवर है तो वो संकुचित हो रहे, सिकुड़ रहे हैं और फिर धीरे धीरे वापस। अब जो ऊपर का आता है उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, नीचे वाले को नीचे की तरफ खींचेंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए नॉर्मल। ये प्रक्रिया आपको 3 से 5 मिनट के लिए करनी है। तो ये हो गया आपका त्रिकोण आसन। दूसरा आसन है योग मुद्रा आसन। तो उसमें इस तरीके से सबसे पहले रिलैक्स होके पैरों को फैला के इस तरीके से आप बैठेंगे और धीरे धीरे अपने पहले जो आपका दाया पैर है उसको अपने हाथों से पकड़ते हुए ऐसे जो बाई जांग है उसके ऊपर रख लेंगे इस तरीके से। फिर दूसरे अपने पैर को पकड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे लाएंगे खींचते हुए और जो दाई जांग है उसके ऊपर रख लेंगे ऐसे। इस तरीके से आप रख लेंगे, हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर रखेंगे। फिर क्या करेंगे, जो आपका दाया हाथ है, जो दाया हाथ है उसका जो अंगूठा है वो आपकी सबसे छोटी उंगली के नीचे लगाएंगे। सबसे छोटी उंगली का जो मूल है वहाँ पर लगाएंगे, निचला हिस्सा होता है वहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे और दाएं हाथ को अपने कमर के पीछे ले जाएंगे इस तरीके से, कमर के पीछे ले गए। अब जो आपका बायां हाथ है, बाएं हाथ से जो दाएं हाथ की कलाई है उसको पीछे पकड़ लेंगे, जैसे इस तरीके से पकड़ते हैं ऐसे अपने पीछे जाके इसको पकड़ लेंगे। इस तरीके से आपने पकड़ लिया, अब सांस लेते हुए एकदम सीधे हो जाएंगे। इसको पकड़ने के बाद सांस लेते हुए सीधे हो जाएंगे, देखिए कैसे। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, देखिए कैसे। सांस लेते हुए वापस आना है। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप सांस लेते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे ही आप इस तरीके करते जाएंगे और नीचे आपने माथे को लगा देना है, जमीन से आप माथा लगा देंगे। अगर किसी का नहीं लग पाता है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा खींचतानी नहीं करनी है। इससे क्या होगा, जब भी हम नीचे जाते हैं तो हमारी जो ये एरिया होती है, हमारा जो पंजा होता है, तो वो हमारे पेट से
लगता है, पेट से टच होता है, और इससे हमारे पेट की मांसपेशियां और जितने भी पेट के ऑर्गन्स हैं उनकी मांसपेशियों पे खिंचाव आता है। खिंचाव आने के कारण मांसपेशियों की मसाज होती है, जिसे जो भी पेट के ऑर्गन्स होते हैं वो अपना काम अच्छे से करते हैं, उनका फंक्शन सुचारू रूप से चलता है। जब मांसपेशियों की मसाज होगी वो मजबूत बनती है, और मजबूत मांसपेशियां जिस भी ऑर्गन की होगी तो वो अपना फंक्शन सही तरीके से करेगा, और उसमें कोई भी परेशानी होती है तो उसको ठीक करने का काम वो अपने आप ही करने लगता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जितने भी पेट के ऑर्गन्स हैं अगर उनमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो उनकी मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करना चाहिए। और वो कैसे होगा, जिस तरीके से मैंने ये आसन बताया है तो वो इस तरीके से आपको करना है। लेकिन जिनको कमर दर्द की समस्या है वो इस तरीके से नहीं झुक सकते हैं तो वो ये आसन ना करें। अब देखते हैं अगला आसन कौन सा है। तो तीसरे आसन में हम सीधा लेट जाएंगे और आपके जो हाथ है वो बिल्कुल जमीन से सटे हुए होने चाहिए, और आपके जो पैर है वो आगे की तरफ झुके हुए होने चाहिए, मतलब एकदम खींचे होने चाहिए सामने की साइड, अंदर की साइड नहीं। इस तरीके से आप सीधा लेट जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आप अपने पैरों को भी उठाएंगे और साथ में कंधों को और हाथों को भी उठाएंगे। देखिए कैसे, ये जो आसन है इसमें जब हम उठते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो हमारे पित्ताशय के ऊपर, पित्त की थैली के ऊपर प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, जिसकी वजह से पित्त की थैली संकुचित होती है और उसकी मांसपेशियां जो होती है वो मजबूत बनती जाती हैं। तो इस तरीके से इस आसन की मदद से हम अपने पित्त की थैली की जो भी प्रॉब्लम है उसको खत्म कर सकते हैं। ये आसन भी आपको 3 से 5 मिनट तक करना है। धीरे धीरे अगर आप शुरुआत में हैं तो 1 मिनट के लिए करिए, या 1 मिनट से भी कम समय के लिए कर सकते हैं, धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाते जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको गोल ब्लैडर स्टोन है तो आज से ही चिकने पदार्थों का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए या बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए। जितने भी तेल से युक्त पदार्थ होते हैं, घी या जो भी कुछ परांठे आप दिन में खाते हैं या घी डाल के सब्जी में खाते हैं तो उसको बंद कर दिए। इससे क्या होता है, आपके लीवर में जो पाचक रस बनता है उसमें भी चिकनाहट आ जाती है। बहुत अधिक चिकनाहट होने की वजह से ये जो पाचक रस जो भी होता है जो पित्त की थैली में जाता है तो वो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़े होने की वजह से वो पूरे तरीके से बाहर नहीं निकल पाता और इसकी वजह से वहीं पर जमने लगता है। तो इसलिए चिकने पदार्थों का कम से कम इस्तेमाल करें, और जो जल्दी से भोजन डाइजेस्ट हो सके जैसे कि साग सब्जियां फल हैं तो उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, आप चाहते हैं कि हम पित्त की थैली की पथरी की समस्या में कौन सी डाइट फॉलो करें या किस तरीके का भोजन हमें सुबह से लेकर रात तक खाना चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फ़ोन के जरिए अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो आज इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप बिना दवाई के और बिना ऑपरेशन के पूरे तरीके से ठीक हो सके, तो इसलिए कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके तो इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।